ये गांव है अनंतपुर, विधानसभा है सरोजी नगर, जिला है लखनऊ। प्रधान जी हमारे साथ बैठी हैं इस गांव की। क्या नाम है आपका? सुदेश कुमारी। सुदेश कुमारी, कब चुनाव जीती थी? जो पिछला चुनाव है तो ये सीट महिला सीट थी क्या? हाँ, सामान्य सीट थी। अच्छा, तो आप कितने वोटों से चुनाव जीती थी? प्रचार किया था अपने लिए चुनाव में? बगैर प्रचार करे वोट कहाँ मिल जाए? तो बताइए कितना वोट मिला था, कितने वोटों जीती थी? अब हमका इतने खन कहाँ ध्यान, जब चुनाव हो तब ध्यान रखे थे। हम भूल गए इतने दिन में। अच्छा, चुनाव बाद भूल गई। और कहा इतने दिन में गया, वो क्या काम मतलब रहेगा कितने वोटन थे, चाहे दो वोटन थे जीत में, चाहे चार वोटन थे। प्रधानिक चुनाव कहते बड़ा कंपटीशन वाला होता है। कंपटीशन वाला हो तो गाँव में तो कंपटीशन तो रहता है, बगैर कंपटीशन कौन चुनाव। अब यहाँ चुनाव है, बड़ा चुनाव, यहाँ कंपटीशन है विधानसभा चुनाव। और कहियो हम यहाँ वो कहीं कहीं उनका, वही कहीं उनका जितावे, वही कहीं उनका जितावे। और इस कोई चुनाव है नहीं जिसमें कंपटीशन ना हो। ये बात तो सही है। तो प्रधान जी, कोई इस बार कौन कौन नेता आया इधर आप समर्थन मांगने आपसे? हमारे द्वारे सब जितने जने हैं सबको हुआ। कौन कौन लड़ा है पता है आपको? अब साइकिल वाले, कमल वाले। साइकिल से कौन लड़ रहा है इस बार? साइकिल थे और हमका नाम नहीं मालूम। अच्छा, भाजपा वाले वो आवत है, पंजाब वाले आवत है। नाम किसका पता है आपको, जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, किसका नाम पता है? नाम हमका खाली बबलू सिंह का मालूम, और नाम हमका कहाँ पता है। बबलू सिंह जो रुद्रमन सिंह जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और कई जगह राज है दरे पर, और सब लोग दूर दूर आसी पास रहते हैं। हाँ जी, जगह गहरो। अच्छा, और जो विधायक थी उनका नाम पता है? हाँ, सौती सिंह। कैसा रहा उनका काम? काम कैसा, काम हो गाँव नहीं हुआ, गाँव हम जाने बाहर का जा मालूम कैसे काम को ही रहा, गाँव तो काम कोई नहीं है। प्रधान जी, आप क्या क्या काम कराई हो, कहाँ जाना पड़ता है विधायकों के पास? जा विधायक के पास गई आप कभी कुछ काम मांगने करवाने के लिए? विधायक पास बहुत बार जाओगा, काम कोई होते नहीं है, तब कहाँ तक जाइयो, दो बार जाइयो, चार बार जाइयो। किस काम के लिए गई थी आप? कोई काम गांव के और होती है जैसे बताइए, कोई काम जो ना हो पाया हो, जो होना हो, कौन सा काम? सबसे बड़ी बात यार, रूप यार जो रोड नहीं बन रही है, या हमका लगे 5 साल से ज्यादा हुई गई नहीं है। रूप खेने वाली हो बहुत खंदी खंदा रोड गिरी पड़ी है, कहा मोटरसाइकिल नहीं निकल, आदमी छूछे जाती है बहुत पुल के आगे, वो दिक्कत। तो यहाँ तो सरकार बीजेपी की है, विधायक भी उन्हीं की, सांसद भी राजनाथ सिंह उन्हीं के हैं, तो इन लोगों के पास गए नहीं आपके भैया गांव में, हमारा जो है काम अटका हुआ है करवाइए? जावा जाते हैं, मगर आप कहीं हाँ हो जाई, यो को नहीं कहा नहीं हुई, हो जाई, अब कब हो, जब हो जाए तब जाना है, देखो कब हो जाई, यो को नहीं कहे ना हो जाई। अच्छा, तो आपके गांव में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ें काम जो होने हैं बाकी हैं? अरे गांव काम तो बहुत परे है, पंचायत घर एक नहीं बन रहा है, कितने दिन ते बने पर वह जगह तो कोई मिल नहीं रही। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यह है। इसके लिए किसको, किसके पास गई आप? अरे कहीं के पास नहीं जावा जाते, कहीं के पास नहीं जावागा। आप गई नहीं एसडीएम के पास? और का एसडीएम प्रधानी आप चलाते हैं कि आपके पति चलाते हैं? अरे सब प्रधानी जब घर में है तो कहा हर जगह हम ही जीवे का। तो प्रधान तो आप हो, प्रधान तो आप ही होते होंगे हर चीज में। प्रधान हन हम हन, अभी गांव वोट मांगे जीवे तो हमका कितने आदमी वोट दे हैं? यहाँ तो अंदाजा लगा हमका कितने आदमी वोट दे हैं, तो का सब काम हम ही करेंगे? जब कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम जो को घर में है जो हम नहीं पहुँचे तो अपन दूसर को करे, पता लगा हम घर में यहाँ का खाना चढ़ाए हैं, कहा हुआ लड़ाई हो रही, तो भाई कहा हम देखे चले, तो घर में जो को है वह तो जाए पहले। हम तो बधिया पहुंचे। ये बात सही है। अच्छा, ये सरकार की तरफ से बड़ा कहा जाता है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं गांव के लिए, आपके गांव में कौन कौन सी योजनाएं पहुंची हैं क्या बताएं जी? योजनाएं तो पहुंची बहुत है, लेटरीने बन गई, राशन मिल रहा। राशन कितना मिल रहा है? मोदी पैसा दे रहे हैं खेती केर सबका। आवास वगैरह, प्रधानमंत्री आवास वगैरह वो सबको मिले हैं? आवास मिले हैं, अब सबका नहीं मिले हैं, अब गांव सबका जो को मिले वाला है वही का मिले हैं। अच्छा, अरे बहुत लोग जो है हमसे शिकायत करते हैं कि प्रधान जी, मतलब आपके गांव की बात नहीं करता, वैसे जब हम घूमते हैं कि प्रधान जी खाली अपने खास लोगों को दिलाते हैं, ऐसा होता है क्या?
अब पता लगा लो गाँव अब जी सही जी क्या गाँव घूम पता लगा लो खास लोगों को मिले हैं कि हमारे बच्चे को मिले हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? हमारा नाम जयकरण सिंह। जयकरण सिंह आप पति हैं? हाँ। जयकरण जी क्या इस बार क्या समझ में आ रहा है, चुनाव में क्या चर्चाएं चल रही हैं आपके गाँव में? चुनाव में तो चतुष्कोणीय चुनाव होना है हमारी समझने से ही। चतुष्कोणीय मतलब चारों पार्टी, चारों पार्टियां बढ़िया लड़ेंगी। तो ये आप नेता हैं, प्रधान हैं, प्रधानपति हैं, इसलिए बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं मतलब भाई हम लोगों से चारों लोग आते हैं बराबर वोट मांगने के लिए, तो चारों का गांव में कुछ तो रुझान दिखता ही है कि फला व्यक्ति फला जगह जाएगा, फला व्यक्ति फला जगह जाएगा, तो उसी से एक आइडिया मिलता है कि मतलब बढ़िया चतुष्कोणीय लड़ाई होगी। स्वाति सिंह क्षेत्र में तो काम बहुत किया है लेकिन हमारे गांव में नहीं कुछ किया है। क्षेत्र में किया है? हाँ क्षेत्र में मान लो तमाम जगह इंटरलॉकिंग या तमाम कार्य हुए, डामरीकरण है। इस बार जैसे बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है, कुछ लोग हमसे बोले बाहर के हैं, स्वाति सिंह भी बाहर की थी नहीं आई, ये भी बाहर के हैं, ऐसा क्या ये फैक्टर? हाँ ये फैक्टर तो है, थोड़ा बहुत तो फैक्टर है ही, बाहरी व्यक्ति है। मान लो अभी स्वाति सिंह चुनाव हार गई, अब टिकट नहीं मिला तो चली गई, अब यहाँ कोई नहीं दिखता है, तो इसी तरह हो सकता है इनका भी काम, जब तक रहें प्रत्याशी रहें और उसके बाद मतलब चली जाएं, बिल्कुल भाई चले जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ क्षेत्र के तो है नहीं, सुल्तानपुर के हैं सुल्तानपुर चले जाएंगे अपना। और लोकल प्रत्याशी कौन कौन है? अब यहाँ सब सपा से अभिषेक मिश्रा वो भी बाहर के माने जाएंगे, वो बाहर के हैं, ये एक जलीस खान जी हैं यहाँ चिल्लावा के बसपा से, हाँ बसपा से रुद्र दमन सिंह हैं यहाँ गहरू से, ये लोग लोकल हैं, ये दोनों लोग लोकल हैं। लोग वोट क्या देख कर देने वाले हैं, पार्टी देख कर देंगे? अब ये सब बता रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि लोकल वोकल, तो वही लोकल वोकल देख के वो अपना वोकल को वोट देना चाह रहे हैं। अच्छा मोदी जी का लोकल वोकल देख कर, मोदी जी के लोकल वोकल देख कर यहाँ लोकल प्रत्याशी? हाँ, तो भाई कांग्रेस बसपा के उनको सब दे सब लोग कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी ने कहा था कि लोकल वोकल, कि लोकल वोकल का ध्यान रखिए, तो वही लोकल वोकल चल रहा है यहाँ। इस मोदी जी के लोकल वोकल चक्कर में तो उनका नुकसान हो जाएगा भाजपा वालों का, आप लोग हो जाएगा बिल्कुल, जनता करेगी कुछ ना कुछ, करेगी कुछ ना कुछ। महिलाएं क्या सोच रही हैं जी? बात हुई, चर्चा हुई महिलाओं से गाँव की आपसे? अब महिलाएं कोई बात खुल के को नहीं बतावती हम कहीं का वोट दे दे। ज्यादातर महिलाओं से पूछते हैं तो कहते हैं जो हमारे घर में आदमी कही देते हैं उसके साथ बता रहे हैं, सामने आदमी ने सामने हम हो हम जैसे कहें हम तो हाँ कई दिन, अब वोट देख बेरा काको हमका देख रहा जहाँ मर्जी हुई कहाँ दे दे, जैसे घर में ही बता फलाने को देख है हाँ दे भेजे, अब वहाँ हम सोचे तू ही ज्यादा बढ़िया काम करते हैं वही ठीक है। अच्छा। ऐसा होता है महिलाएं सोचती हैं, इनका हटाओ उनते बता दे हाँ दे। अच्छा बस अब हाँ नहीं कहा जा सके घर में कि नहीं देवे बदल। इसी राशन वाला मुद्दा बड़ा बन रहा है, बड़ी चर्चा है, हम गांव में घूम रहे हैं, तमाम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि जो राशन बटा है महिलाओं के बीच, खासतौर पर लोग कहते हैं कि महिला जो है भाई बोलती तो है नहीं, बहुत ज्यादा चुप रहती हैं अंदर अंदर, तो ये मुद्दा है क्या मतलब महिलाओं के बीच राशन को लेकर है कि ठीक अच्छा ये काम हुआ है, इसको देकर इसको देकर वोट दे सकती हैं? और वो बिल्कुल दे सकती हैं। अच्छा बता रहे घर में तो कई दिन का, मगर हुआ जाकर काज उनके मनवाओ जो उनका पसंद हुई वह काम हुई। अब राशन ला रही तो कुछ तो फायदा है ही है, आदमी लाए राशन पिया दारू, अब उनका राशन घर आ रहा तो कम से कम उनका खाएगा रहा लड़का बच्चन, कुछ तो फर्क है ही है क्या जी। प्रधान जी आपके हिसाब से जो भी विधायक बनता है जिस पार्टी का भी बनता है उसको क्या करना चाहिए आपके लिए, आपके गांव के लिए, गांव की महिलाओं के लिए क्या काम करने चाहिए? अरे कुछ गांव के लिए जो उनकी समझ में, कोई गांव विकास तो हो चाहिए। किस तरह का विकास? अरे कहूँ रोड है, कहूँ खरंजा है, कहूँ नाली बने खाए, कहूँ कुछ बने खाए, कोई काम हो तो हाँ जाने मिले हाँ कराए नहीं, बस औका चाहिए गाँव वाले। नेता लोग तो कहते हैं बहुत काम करा रहे हैं, बहुत काम करा रहे हैं सब, तो देख प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं, नरेंद्र मोदी कैसे लगते कैसे नहीं? अरे वही तो ठीक है, ठीक है काहे ठीक है काहे हम खराब है बताओ, पैसों दे रहे रसनों दे रहे और स्कूल बच्चों ने फिर बच्चनों को राशन मिल रहा अलग थी त्यालो मिल रहा खानों मिल रहा और का चाहिए और का दे और का योगी आदित्यनाथ कैसे हैं? योगी आदित्यनाथ वो ठीक है और ठीक है और का
उनकी विधायक काम कराए नहीं आप क्षेत्र में। अब विधायक नहीं करें तो का योगी ही अध्यक्ष रहेगा, अब योगी तक खबर पहुंचे, मुख्यमंत्री हैं, अब उनते बात होए जिसे को गांव में नहीं तो उन तक खबर पहुंचे तो वो सोचे कि हाँ फलाने गांव काम नहीं हुआ। मतलब गलती मोदी जी योगी जी की नहीं है, गलती जो है यहाँ लोकल विधायक। हाँ बिल्कुल उन्हीं की गलती है, जब हुआ तक खबर पहुंची तो वही तो हुआ काम हुई। अच्छा इससे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, वो कैसे थे? अब उनका हमका नहीं मालूम कैसे रहा उनका बहुत दिन। अब जो को नवा नवा मायावती के बारे में पता है? मायावती के बारे में मायावती ठीक रहा बनी जगह पर, सब ठीक और का मायावती बहुत अपनी जगह पर वो ठीक रहा है। आपके गांव सबसे ज्यादा काम किसके कार्यकाल में हुआ? काम तो हमारे गांव देखो बाहर विधायक या मंत्री जिला पंचायत छोड़ गए ओहो दूसरे द्वारा काम नहीं हुआ कोई सरकार पंचायत से जो काम हुआ। हाँ बस उसके अलावा विधायक सांसद किसी निधि से नहीं हुआ। मान लो जब से हम लोग 3-4 पंचवर्षीय से मान लो राजनीति में है या जानकारी है अपने को तो जिला पंचायत के अलावा किसी ने कोई कार्य नहीं कराया। तो विधायक लोग जो हैं वो शहर तक ही सीमित रहते हैं आपके? हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में तो ना कुछ नहीं काम हुआ, जैसे हमारे गांव में नहीं हुआ हम तो सीधा यही जानते हैं हमारे ग्राम पंचायत में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ऐसा नहीं हम लोगों ने कहा लिख के दिया, अपना जो प्रयास है किया, बुलाया सबसे मान लो नेता नगरी कोई कार्यक्रम कराया छोटा मोटा उसमें बुलाया उनसे अपनी बात रखी गई जनता ने रखी बात और नहीं कोई सुनवाई है तो कोई बात नहीं। ये सब चीज़ें फैक्टर बनती हैं चुनाव में वोट के समय बनती हैं कि वोट के समय जाति देख के धर्म देख के क्या देख के वोट? अब जिसकी जो मर्जी होगी जिसको देना होगा देगा, अब यहाँ जैसे कोई मतलब नहीं जैसे किसी ने कोई लाभ कराया नहीं तो क्या मतलब, जिसकी जहाँ मर्जी है जाए। हमारे कहने से मान लो कोई काम हुआ होता तो हम जनता से कहते उसका मतलब एक वो दिखाते दिखावा कि भाई चलो देखो आपके यहाँ ये रोड बनी है इसका मतलब मान लो इनको वोट दो, इन्होंने आपके यहाँ डामर रोड बनवाया है कोई विकास कार्य कराया है। जैसे गाँव में ये बड़ा चलता है कि चुनाव के वक्त शराब बटना पैसा बटना इस तरह चीज़ें क्षेत्र में यहाँ हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। आसपास गांवों में सुना आपने होता नहीं, है? नहीं हम तो भाई नहीं सुने। पंचायत चुनाव में होता है? नहीं पंचायत चुनाव में भी नहीं होता है। होता है तो है बताएंगे नहीं यार प्रधान जी बताएगा ऐसा ही नहीं होता। विधायक विधायक की चुनाव नहीं बट रहा कुछ ना कुछ नहीं चोट लग गया पाए बांध लियो ऐसी पट्टी है को कहे को अंगूछा खातिन अगर अंगूछा खातिन कह कबो हमारे यहाँ आए तो यह कहे तुमने तुमको रिश्वत दिया पैसा दिया कपड़े दिया सब कुछ दिया अब तुम्हारा और काम कैसे हो कहे का चांस नहीं दियो। अब ये पट्टी डाली के घर पड़ी है अब गरीब हमने डाली टांगी है ऐसे गली रोड किनारे गलियारे में ऐसे टांगी जो जैसे देखकर टंगी है कि हाँ भाई दैया ना तो निशान है अब कौन का कुछ तो नहीं कौन कौन नेता ठीक काम कर रहा सरकार किसकी ठीक? अरे भैया हमारे गांव में कुछ कर हम जानिए ठीक है कौशल किशोर विधायक रहे तो जाकर लाइट लगवा दी नेताल पर वह गांव के बाहर ला गए और कौन कौन काम करें जी का गुणगान करी कि नहीं फलाने आ रहे हैं तो यो कि ये छोटे मोटे फिर ठीक रहे गांव के अंदर ये को लिया और लिया सब बीमा RCC करवाई नहीं तो चुनाव में फिर क्या देख कर वोट देते हैं? चुनाव का वो लोग जैसी मर्जी हो तैसी दो सब देने ना हम बजे प्रधान ने कहा है प्रधान तो नहीं कहा कि चलो भाई फलाने जितावा जाए अब जब वो काम नहीं करे तो कैसे कही हैं है? अगर काम इनके कहे से हूं होते ये कहते तो कह देते चलो भाई उनका मोदी दिन जाए या इनका दिन जाए पंजाब वाले इनके यहाँ अब जब कोई कोनो काम नहीं है तो किसका है ये कहा तो नहीं तो देखा जो को मर्जी चाह दे तो इस गांव में आकर यही समझ में आ रहा है कि जो गांव की कहानी है कि आदमी अंत में जाकर देता अपने वोट से अरे साहब हम बाजन हरहा बांधे के बनी दिक्कत है कि कहा बताई थोड़ी जगह यही खड़ंजा बदल जो खुदा पर आ वही तरह भैंसी बांधी रहती कहाँ पर एक खटिया जगह नहीं जो जानवर पर बांध ली गांव में गौशाला वगैरह यहाँ नहीं है आसपास गौशाला का निशान बना है निशान बना निशान बना और कुछ नहीं
प्रधान जी गाँव में गौशाला की व्यवस्था नहीं हुई? गौशाला की मतलब कुछ जानवर ज्यादा थे नहीं तो गौशाला। अरे प्रधान गौशाला क्यों छोटा जानवर की जो समस्या गाँव में गौशाला भैया बनवाओ माँ कहीं देख देख समझ हम लोगों ने कलेजा फाटी चारा नहीं मिला थी उनका भूखन मर रहे प्यासन मर रहे इधर गौशाला में जाकर देखियो जो उजर हरा रहा तो कार हुई गई तो गौशाला नहीं तो ठीक है का किन जाए सार सार क्या तो चली गए। मान लो ये कहा था तो कोई छोटा जानवर की कोई समस्या नहीं है भाई कहीं एक दो जानवर घूम रहे तो कोई समस्या नहीं है कोई विशेष नुकसान नहीं है। चलिए ये है अहमदनगर गांव का हाल ऐसे और तमाम गांव में जाएंगे लखनऊ में आगे भी जाएंगे देखते रहिए दिल ललन टाउन।